अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, हम भी बहुत अच्छे हैं। और आप सभी को जुमा मुबारक हो हम दोनों की तरफ। और ये वीडियो थोड़ा लेट अपलोड हो रहा है क्योंकि एनिवर्सरी के बाद हमारा शेड्यूल थोड़ा बिजी चल रहा था, हम बिजी थे, इस वजह से हमें ये शूट करने टाइम ही नहीं मिला। तो फाइनली आज हमें वो टाइम मिला है और तो हमें ये शेयर करना ही था आप लोगों के साथ में कि हमने एक साल एक दूसरे के साथ में कैसा टाइम स्पेंड किया आफ्टर मैरिज, क्योंकि बिफोर मैरिज तो हम सिंगल थे, आफ्टर मैरिज के बाद एक नया एक्सपीरियंस मिला है हमारे को। और क्या क्या चेंजेस आए, कैसे कैसे हम लोग दोनों ने एक दूसरे को हैंडल किए, वो सब आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। तो वीडियो में बने रहे, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। हम अपनी पूरी स्टोरी जो एक साल की है वो शेयर करेंगे, तो वीडियो को थोड़ा भी स्किप मत कीजिए जी। और ध्यान से सुनिए हमारी स्टोरी क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग लगने वाली है आप लोगों को भी इंशाल्लाह। अगर कुछ भी क्वेश्चन होगा तो कमेंट में पूछ सकते हैं। तो चलिए ज्यादा टाइम लेते हुए स्टार्ट करते हैं। ना लेते हुए तो मैं पुणे को आया था, जैसे कि आपको पता जैसे है हमारा रिश्ता हुआ रिश्ता हाँ जैसे ही हमारा रिश्ता हो गया उसके बाद शादी की डेट फिक्स होने का चला ही था। हमारी एंगेजमेंट का पहले तारीख पकड़े, उसी दिन हमारी शादी की डेट निकालने वाले थे एंगेजमेंट के टाइम पे। तो फिर बाद में सोचे कि नहीं पहले हॉल वॉल का देखेंगे क्या है, वो भी खाली चाहिए ना, जब शादी करनी है तो पहले डेट उसके मुताबिक लेना पड़ती है। तो शादी के डेट का बोले सुनिए, शादी के डेट का तो हम दोनों ने कुछ बात नहीं किया था उसके शादी के डेट पे, तो हमें को नहीं समझ रहा था, हमने पूरे बड़ों के ऊपर ही छोड़ा था क्योंकि हमें भी पूछ रहे थे, बोले मैंने तो मैं बोला कि घर पे मुझे कुछ नहीं समझता, जैसे आप लोगों को अच्छा लगे वो सबसे आप डेट ले सकते हो। तो पहले कौन सी डेट फिक्स हो गई थी अपनी शादी की? पहले 18 हो गई थी, 18 में संडे का संडे था ना, कुछ संडे के टाइम संडे फिक्स किए थे। हाँ संडे के टाइम, हाँ जुमेरात को हो गई थी। तो फाइनली ऐसे वैसे करके 20 तारीख को अपनी शादी फिक्स हो गई और डेट भी इतनी यूनिक मिली हमारे शादी की, उससे हम दोनों बहुत खुश हो गए। माशाल्लाह डेट बहुत अच्छी थी, मेरे अब्बा तो इतने खुश हो गए थे ना डेट सुनते ही, पहले कोई ऐसा यही नहीं किए, फिर बाद में अब्बा बोलने लगे अरे सुन ना फरा डेट देख अपनी कितनी अच्छी शादी की तुम्हारी, कैसे बोले 20 2 20 20 ऐसी डेट है, कितनी लकी डेट मिली अपने को, ऐसे ऐसे बोलने लगे, बहुत खुश थे वो तभी। और एक्चुअली कैसा ना, संडे के दिन हमको वैकेंसी नहीं मिल रही थी कहीं पे भी पुणे में हॉल में, इन लोग को तो मिली होंगी शायद। हाँ हमारे को तो कैसा, हाँ। वहाँ पे जहाँ पे हम रहते हैं वहाँ पे जेबी गार्डन है, वो जैसे कि अपने घर के पास है तो वहाँ पे सब लोग पहचानते हो, कभी भी हमारे को दिए होते तो हमने ऑलरेडी बात करके रखा था उन्हें। हाँ तो हम लोग को यहाँ पे नहीं मिल रही थी, और उसमें कैसा हम लोग को जहांगीर बाग चाहिए था और जामुड़कर गार्डन चाहिए था जो कि यहाँ का है, लेकिन वो दोनों भी अवेलेबल नहीं था, इसके लिए हमको ओमकार गार्डन लेना पड़ा। तो हमारी शादी कोंडवा में ओमकार गार्डन में हुई भी है और वो गार्डन भी बहुत अच्छा। और डेट ऐसे फिक्स हो गई जैसे कि किसी ने ऐसा सोचा नहीं कि मतलब ऐसे ऐसे जैसे निकाला उन्होंने, बड़ों ने जैसे फिक्स किया, फिर बाद में उन्होंने भी देखा तो वो भी कितना खुश हो गई थी, कितना मिलता जुलता एक ये हो गया, वो आंकड़ा हाँ, हो गया। डेट बहुत अच्छी थी, 20/02/2020 पूरा मैच हो गया और बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी और फिक्स डेट तो फिक्स हो गई। और उसके बाद जो ट्विस्ट आता है वो चला डे और नाइट का, उन लोग का पूरा प्लान, फरा उनका पूरा प्लान था कि नाइट के शादी, क्योंकि यहाँ पे महाराष्ट्र में ज्यादातर पूरे नाइट में ही होते हैं। हाँ हमारे यहाँ पे नाइट में ही होती है शादी, बहुत रेयरली होती है जो दिन में होती है, वरना नाइट हमारे में वहाँ पे बहुत रेयरली होती है जो कि नाइट में होती है। कैसा है, मुझे बहुत अरमान थी, मेरे अम्मी अब्बा को भाई को हम लोग को सबको बहुत नाइट में शादी की बहुत 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 अरमान थी, लेकिन वो नहीं हुई। हमने सोचा ठीक है भाई का वलीमा कर देंगे, अभी कैसा ना दूर का सफर था तो नहीं, क्या हो गया। फिर फारा ने मेरे को बोला कि समीर मेरी बहुत अरमान थी नाइट की शादी की, तो मैंने फिर घर पे मेरी बात किया, फिर घर पे बोले कि तेरी बात भी सही है हमें भी करना है, लेकिन मामला किस बात का आ रहा था, बहुत दूर है बीजापुर से पुणे को आना, पुणे से वापस दुल्हन को लेके बीजापुर को जाना, ये इसमें बहुत टाइम लग रहा था, इसीलिए उन्होंने डिसाइड किया। मैंने बहुत बोला लेकिन घर वाले बोले नहीं, बोले उतने लोगों को लेके आना लेके जाना ये थोड़ा बहुत मुश्किल होगा, इसीलिए दिन की शादी होंगी ना तो कैसे हम रात से निकलेंगे, हम कितने 10 बजे निकले वहां रात में,
तो सुबह 5-6 बजे तक हम हॉल में पहुंच गए थे। अगर वही नाइट की शादी होती तो सुबह जल्दी निकलना, फिर रात में अगर रात में दुल्हन को लेके जाना बोले तो कुछ कुछ रास्ते ठीक नहीं होते हैं, इस वजह से उन्होंने प्लान किया। फिर मैंने समझाया, फिर भी दिन की शादी में भी हम कितने बजे निकले थे, 4-5 बजे हमारी विदाई हो गई, 5-5:30 बजे अपनी विदाई हो गई, फिर हम निकल गए। तभी भी मुझे ताकीद दिए थे कि बिल्कुल गाड़ी के बाहर तो निकलेगी नहीं, और उसका मेरे हाथ में वैसे तो कुरान शरीफ था, पूरा लहंगा वहंगा था, तो बहुत बहुत हैवी हो रहा था मुझे, और उसमें इन्होंने एसी चलाने लगे ना, मुझे और ज्यादा घबराहट होने लगी। मैंने बस बंद कर दो, ये नहीं सी नॉर्मल जो नेचुरल हवा है वही लेंगे, जो बहुत तकलीफ हो रही थी। एक तो इतनी दूर का सफर की अपने को आदत नहीं थी, और नानी के गाँव को भी मैं ना 2-3 साल में एक बार जाती थी, मैं बार बार नहीं जाती थी, अम्मी अब्बा जाते थे, ऐसा था। और मुझे भी ज्यादा सफर मुझे भी नहीं होता है तब, बट अलग ही खुशी थी, मेरी शादी थी, शादी की अलग ही खुशी थी, तो मेरे को पता नहीं चला कि सफर कैसे कटा और कैसे जाने के टाइम उल्टा फरा को बहुत तकलीफ हो रही थी ऑब्वियसली, क्योंकि उनका जो लहंगा था वो इतना हेवी था और उसमें कार में बैठना इतने देर तक, कितने 6-7 घंटे तो मैंने फिर भी कार में ही सब कुछ मेरा कान निकाल फेंकी, गले का निकाली, बगड़ी वगैरह थोड़ी थोड़ी ऐसे ये कर रही थी, मेरे को बहुत चिड़चिड़ा हो रही थी, मुझे हैबिट नहीं है ये सब, ऐसे तो मुझे बहुत कैसे तो तभी क्या बताऊं। सही है, क्योंकि लगता है, फिर बाद में मैंने एसी लगाया, फिर उसके बाद मैंने ग्लास भी नीचे किया क्योंकि इनको हवा है ताकि इनको ज्यादा तकलीफ ना हो। फिर भी मुझे वॉमिटिंग के लिए एक बार उतरना ही पड़ा बीजापुर के नजदीक, जैसे ही सोलापुर हमने क्रॉस किया उसके बाद इनको तकलीफ बहुत होने लगी। फिर मैंने ड्राइवर को बोला साइड में गाड़ी रुकाने के लिए, फिर वहाँ पे इनको वॉमिटिंग हो गई, फिर वहाँ से मैंने कैसे भी करके बोला थोड़ी दूरी है अभी पहुंच जाएंगे। शादी से जाते वक्त तो हमारी गाड़ी रुकी थी, तो वहाँ पे एक किन्नर मिला था उन्होंने बहुत अच्छी दुआ दी थी। किधर हम चाय पीने के लिए रुके, मतलब फरा नहीं उतरे गाड़ी में से, मैं ही उतरा क्योंकि हमारे पीछे भी 2 गाड़ी थे और फैमिली थी, तो सभी उतरे, फिर मैं चाय पीने के लिए उतरा, तो वो किन्नर ने कहा से, मतलब ये रोड के वो क्रॉस के पीछे ना वो गाड़ियों से रुका के पैसे ले रहे थे, बट अचानक उन्होंने हमारे को कहां से देखा पता नहीं, कब हमारे पास आए मैंने देखा भी नहीं, मैंने दूर से देखा था उन्हें, लेकिन वो अचानक पीछे से आ गए हमारे पास आके, फिर बोले क्या बोला उन्होंने, माशाल्लाह बहुत प्यारी दुल्हन है पैसे दे, तो मैंने 100 रुपए दिए, 100 रुपए निकाला, तो उसने बोला इतने अच्छा माल लेके जा रहा और 100 रुपए दे रहा सिर्फ तो फिर बाद में इन्होंने 500 रुपीज उसके हाथ में रखे, और फिर उन्होंने हम दोनों को ऐसी दुआ दिए, समीर को और कितने तो भी चिल्लर दिए ना, हाँ उसमें से वापस उन्होंने चिल्लर दिए, जो कि बोलते हैं कि बोले तेरे कमाई में बहुत बरकत आएगी, तुमको एक जल्दी से नन्ना मुन्ना बेटा आएगा अच्छा सा, हाँ, उन्होंने बोला लड़का होगा पहले, फिर उन्होंने चिल्लर दिए, मतलब उनकी दुआ बोलते हैं ना कि उनकी दुआ कबूल होती है, और हमको शादी के दिन मिली उनकी दुआ, रास्ते में मिली, तो सफर तो बहुत माशाल्लाह हमारा बहुत अच्छे से गया, ज्यादा कुछ तकलीफ भी नहीं हुई, फिर गए रात में, फिर जाके पहुंचे, फिर उसके बाद तो उसके दूसरे दिन से हमारी लाइफ चेंज हो गई, क्योंकि शादी के बाद का पहला दिन था डिस्चार्ज तो फिर उसके बाद एक दिन हमने गैप लिया वलीमे के लिए, क्योंकि पूरी तैयारी वो करना था, इसीलिए टाइम लगा, थोड़ा दूर का सफर था ना इसके लिए टाइम लेना पड़ा वो। फिर दूसरे दिन से सुबह से तैयारी चालू होगी वलीमे की, और फरा का बहुत मन था शादी तो नाइट में करना था, लेकिन दूर की वजह से हम नहीं कर पाए, इसीलिए मैंने बहुत जिद पे वलीमा मेरे घर वालों को मैंने बहुत रिक्वेस्ट करके रात में रखा, क्योंकि एक्चुअली कैसा ना गाँव में सब सुबह ही होता है, बहुत से जो ऐसे केस रहते हैं कुछ कुछ जो फैमिली रहती है वो उनके फंक्शन नाइट में होते हैं, बट जहाँ तक मुझे पता है पूरे शादी और वली में दिन में ही होते हैं वहाँ पे, फिर हमेशा सबके नहीं यहाँ पे नहीं गांव की बात कर रहा फिर बाद में मैंने मेरे अम्मी अब्बा को बहुत रिक्वेस्ट किया, बोला शादी तो तुमने जैसे बोला मैंने ऐसे सुना, बट वलीमा तो मेरे को शाम में करना, फिर बाद में वलीमा शाम में रखे, उसके दूसरे दिन मेरे अम्मी ने मेरे को बोला बोले अच्छा करे बोले शाम में रखे क्योंकि बहुत अच्छा हो गया है ना, बोले अच्छा तैयारी को भी अच्छा टाइम, क्योंकि कल का दिन मिला, एक बीच का दिन मिला, उसके दिन फिर वलीमे का भी दिन मिला, फिर रात में था ना वलीमा, बहुत अच्छे से हो गया और अच्छा भी लग रहा था, रिसेप्शन माशाल्लाह बहुत अच्छा हुआ था हमारा, है ना, देखा होगा आपने भी फोटोज को, और रिसेप्शन होने के बाद दूसरे दिन अभी वहाँ पे कैसा रहता है जो हमारे क्या बोलते हो हमारे जो रिश्तेदार होते हैं हमारे जो जुमागी नहीं जुमागी अभी बाद में, इससे पहले जुमागी को ये कितने जुमागी हो गए हमारे वहाँ पे 2 ना
हमारे जो रिश्तेदार होते हैं वो अपने घर पे बुलाते हैं हमें, मतलब जोड़ी से बुलाते हैं, जोड़ी से बुलाते हैं, दावत देते हैं। तो फर्स्ट गए थे हम मामानी के घर पे, मामू के घर पे, तो मेरे को अलग ही फीलिंग होती थी क्योंकि बाकी टाइम तो मैं कभी भी जाता था, सिंगल जाता था। उसके बाद एक पार्टनर, जैसे कि हम हस्बैंड वाइफ जा रहे थे, मेरे को अलग ही फीलिंग आ रही थी, मतलब थोड़ी शर्म भी आ रही थी मेरे को ऐसे जाने। तो मैं हमेशा दूसरों के ऐसा घर में देखता था, जब हमारे साथ होता है तो अलग ही लगता है थोड़ा, बहुत अच्छा लग रहा था मेरे को। मुझे भी ऐसा लगा था बीजापुर कैसा है, क्या पता मेरा दिल लगेगा नहीं लगेगा। वैसे तो ज्यादा दिन नहीं रहना था फिर भी, लेकिन अच्छा लगा। क्योंकि मैं ऑफिस से ज्यादा दिन छुट्टी भी नहीं लिया था, 20 दिन की लिया था, तो हमने 10 या 12 दिन हम शादी के बाद बीजापुर में रहे। तो फिर फरहान मेरे को बहुत जिद कर रहे थे कि समीर मेरे को लेके चलो, मैं बोला फरहान नहीं 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 शादी हो गई है, आप बोलो इतना थोड़ा बीजापुर दिखाओ, बीजापुर दिखाओ, मेरे को लगा पुणे को, नहीं नहीं पुणे को नहीं, ये मेरे को बोले थे कि बीजापुर देखना है समीर मेरे को, बीजापुर दिखाओ। तो नए नए थे तो नहीं भेजे, खाली हम लोग गोल गुम्बद गए थे ना। हाँ गोल गुम्बद गए, मेरा बहुत मेरे को ये था कि फरहा को मैं लेके घुमाऊँ, लेकिन कैसा ना शादी के बाद नई दुल्हन ऐसे बाहर नहीं जा सकते, इसीलिए घर वाले अलाउड नहीं कर रहे थे। वो भी गए थे लेकिन मुझे वहाँ की धूप बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुई, बहुत बहुत कड़क धूप थी। हाँ उस टाइम धूप थी वहाँ पे गोल गुम्बद में भी, कैसा कुछ काम चला था, लेकिन फिर भी पुणे से कंपेयर करें तो धूप वहाँ की बहुत डेंजर है। फिर ऐसे हम लोग गए घूमे फिरे, फिर समीर ने मुझे वहाँ पे एक होटल में खाना खिलाया था, बहुत अच्छा था वहाँ का, क्या नाम था उसका, कसवाइल, जो कि स्टेशन के रोड पे लगता है, बीजापुर का सबसे बेस्ट होटल है वो, बहुत अच्छा वहाँ पे खाना मिलता है। तो वहाँ पे मैंने इनको खिलाई क्योंकि गर्मी बहुत हो रही थी, दोनों को भी थक गए थे। फिर मैंने जरा कोल्ड कॉफी वगैरह पी, तब मुझे थोड़ा आराम लगा, थोड़ा अच्छा लगा, कूल हो गई मैं। फिर जो हमारे बहने जो बीच में आए थे इन फरा के साथ रहने, मतलब फरा नए नए थे वहाँ पे, तो बहुत फरा के साथ ही रहते थे, बातें करते थे। बट लास्ट लास्ट में बीच में फरा को उनके अम्मी की बहुत याद आई, तो इतना रोने लगे याद करके इनका, इनको रोते हुए देख के मेरे खाला, मेरे अम्मी, बच्चे सभी रोने लगे इनको देख के, मतलब मत रो, हम हैं ना तेरे साथ में। फिर भी कैसा शादी के बाद ऐसे पेरेंट्स की याद आती है, घर की याद आती है, तो बहुत रोए थे। फिर बाद में मैंने अम्मी को कॉल करके दिया, फिर अम्मी से बात करे, फिर समझाए, तब जाके ये शांत हो गए। मैं कभी रही नहीं मेरे अम्मी के बगैर ऐसे इतने दिन तक, मतलब मैं कभी छोड़ के नहीं गई, अम्मी मुझे छोड़ के गए मेरे घर पे नानी के घर पे, लेकिन मैं कभी नहीं ऐसे गई किधर अकेली। तो फिर बाद में 10-12 दिन हो गए उसके बाद वापस से पुणे को आने का था, बट मेरा दिल ही नहीं कर रहा था फैमिली को छोड़ के आना। आने के टाइम तो सभी लोग रोए, जब हम लोग स्टेशन पे ड्रॉप करने आए थे सब लोग, तो सभी लोग जैसे घर पे रिक्शा आया हमारे को लेने के लिए स्टेशन के लिए, तो सब लोग इतना रोने लगे, सबको रुला के आए, बहुत अलग ही फीलिंग हो रहा था। इतने दिन तक फैमिली के साथ में रहे थे शादी के बाद, उसके बाद दोनों, मतलब नए ही हम शादी हुई है, उसके बाद हम दोनों अकेले आके रहना, तो थोड़ा हम दोनों के लिए ये प्रॉब्लम, मतलब बहुत टफ था। हाँ बहुत ही टफ था, मतलब दोनों रहना, अगर फैमिली रहती तो कुछ नहीं लगता था, क्योंकि नया नया था शादी के बाद, कैसे सर हमको दोनों को कुछ इतना नॉलेज नहीं था, कुछ नहीं था, फिर भी हम लोग ने हमारा संसार बोलते ना वो आगे बढ़ाया। फिर बाद में हम आए पुणे को, क्योंकि वहां से हम ट्रेन से आए, शाम की गाड़ी रहती है 6 बजे ट्रेन, 6 से मतलब 1 बजे तक, 1-1.5 बजे लगभग हम यहाँ पे आ जाते हैं पुणे को। फिर अम्मी अब्बा भाई सभी आए थे हमें लेने के लिए। फिर ये घर तो ऑलरेडी पूरा रेडी हो चुका था, लेकिन इनकी अम्मी ने बोले थे मैं आती नहीं तब तक यहाँ पे कुछ, अम्मी अब्बा और अम्मी अब्बा भी आने वाले थे बट हमारे साथ नहीं आए, वो बोले पहले तुम जाओ फिर मैं जैसे जुमा की नजदीक आएंगी फ्राइडे आएगा तब मैं आएंगी, तो जुमा के पहले यही घर में जुमा के करके इसी में रहेंगे। तो अम्मी ने बोला ठीक है, बोला मैं जब तक उधर ही रहूंगा। फिर बाद में हम क्या करते थे, मतलब दोपहर को वह शाम में आते थे, आके बैठते थे, बोला अपना घर है क्योंकि हमको दोनों को यहाँ पे रहना था, तो हम आते हम देखते थे हमारा दिल लगेगा क्या कैसा, लेकिन हमको माशाल्लाह बहुत अच्छा लगने लगा, स्टार्टिंग से ही बहुत अच्छा लगना, क्योंकि दोपहर में अगर आराम करना हो तो हम आते थे दोनों, क्योंकि नजदीक ही है फरा उनका घर नजदीक ही था, तो दोपहर में हम आते थे दोनों, फिर आराम करते थे, फिर शाम में जाते थे क्योंकि खाना पीना तो वहीं हो रहा था। बट रहे नहीं हमने, बट पूरा अम्मी अब्बा ने ऑलरेडी पूरा घर पूरा सेट करके दिया था, हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ी, कुछ भी बीजापुर से आने तक पूरा घर हमारा रेडी हो चुका था, क्योंकि हमें वापस इधर ही आना था, इसीलिए ये जो पूरा सामान जो घर का सेट था ना, इसीलिए शादी में हम नहीं लेके गए, डायरेक्ट यही घर में आके पूरा इन्होंने सेट करके दिया था। वो भी बहुत अच्छा लगा, आएगा पूरा घर भी पहले इतना अच्छा नहीं था,
हमने किया है इसको किया और आज ये घर हमारा दिल नहीं करता है घर चेंज करने के लिए। दो चार दिन के लिए हम जा रहे थे तो मुझे कैसा लग रहा था, मैं ऐसे फीलिंग ली कि चलो ऐसा करते जैसे हम घर छोड़ के जा रहे हैं। दोनों के लिए तो बहुत अच्छा है। और जब एक घर रेडी हो रहा था तो अम्मी अब्बा वीडियो कॉल में हमें बता रहे थे ये देखो हमने ये सेट किया, टीवी सेट किया, बेड सेट किया, पूरा उन्होंने दिखा रहे थे। हमारे वहां से देखे ऐसा लग रहा था कि कब जाए हमारे घर करके। फिर हम वहां से आए थोड़ा हमें अलग लगने लगा, मतलब अकेला अकेला स्टार्टिंग अम्मी अब्बा ने भी नहीं छोड़ा हमें। फिर जब मेरे अम्मी अब्बा आए यहाँ पे फिर ये जॉब पे जाते थे और जॉब मेरी जैसे मैं पुणे को आया मेरा स्टार्ट हो गया ऑफिस को जाना। फिर मैं ऑफिस को जाने लगा, उसके बाद अम्मी अब्बा आए। फिर भी मैं मॉर्निंग की शिफ्ट लेता था ताकि सबके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करूं, घर वाले भी आए थे तो फिर जाता था। फिर उस टाइम कोरोना का बहुत चला था। बट इतना ये नहीं था कंफर्म कि इंडिया में भी आएगा। फिर बाद में शादी के बाद जैसे जुमा की नजदीक आई तो न्यूज में आने लगा कि कभी कभी ऐसे हो सकता है लॉकडाउन लग सकता है। तो अम्मी अब्बा डर गए तो वो बोले काम करेंगे फ्राइडे के जगह हम मंडे करेंगे जुमा की। तो फिर डिसाइड हो गया जुमा की इसी घर में हो गई मंडे के दिन। फिर उसी दूसरे दिन वो वापस चले गए। वो जाने के दो दिन के बाद लॉकडाउन लग गया। मेरी क्या मजा, मैं तो उल्टा सोचा अगर अम्मी अब्बा रहते थे वो जब भी लॉकडाउन लगता था ना तो बहुत अच्छा होता था, वो हमारे साथ ही इधर फंस जाते थे। 3 महीने वो इधर ही रहते थे, उनको जाने मौका ही नहीं मिलता था। बट वहाँ पे कैसा ना, वो भी वहाँ पर भी घर है, फिर वो उधर भी लॉकडाउन लगा था पर वहाँ पे कैसा सब लोग आसपास रहते, खाला लोग वो मेरे सब आसपास ही रहते तो वहाँ पे इतना कुछ नहीं लगता। यहाँ से कैसा बाहर नहीं जा सकते हम, यहाँ पे तो बहुत स्ट्रिक्ट लगा हुआ था। फिर भी हम मम्मी के घर पे जाते थे, हमारा दिल नहीं लगता। अब दो ही लोग हम कितने दिन तक घर में ही बैठेंगे बाहर नहीं। तो फिर भी हम क्या करते थे, अब्बा को कॉल करते थे, उनको बोलते थे या तो तुम आओ मिलने के लिए तो फिर हम पीछे की रोड से आ जाएंगे घर पे। ऐसे करके भी हम लॉकडाउन में घूमा करते थे। फिर लॉकडाउन में और तो घर में बहुत बोर होता था है ना, नई शादी। बट मेरे को जब ऑफिस स्टार्ट हो गया मैं सोचा अरे मेरे को फर्क है, टाइम स्पेंड करने के लिए टाइम ही नहीं मिल रहा। बट ऐसा हो गया लॉकडाउन लग गया, दोनों ही पूरे लॉकडाउन में फंस गए हम दोनों। मतलब किधर बाहर जाने भी नहीं मिला, अच्छा मिला क्योंकि ऑफिस भी नहीं, 3 महीने ऑफिस बंद था मेरा घर पे ही पूरा, उसके बाद वर्क फ्रॉम होम चालू हो गया मेरा। यॉनिंग आ रही है मुझे। तो फिर ऐसे हम लोग की दोनों के बीच में बहुत स्टार्टिंग में हम दोनों का नहीं जम रहा था बहुत, हम लोग दोनों का। हाँ दो ही लोग रहते थे ना तो कुछ ज्यादा नहीं जम रहा था। इनका कुछ अलग ही रहता था, मेरा कुछ अलग ही रहता था, ऐसे में बहुत ही होता था। फिर बाद में हम दोनों में अंडरस्टैंडिंग हो गई, ये भी मुझे समझने लगे, मैं भी इनको समझने लगी। फिर वरना छोटी छोटी बात पे हम लोग की नोकझोंक चालू ही रहती थी, ये वो। स्टार्टिंग एक दूसरे को समझने थोड़ा टाइम लगता है ना शादी के बाद, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी हम दोनों एक दूसरे को इतने अच्छे से जानते हैं ना कि मैं इनके दिल में अभी भी क्या चल रहा है मैं आपको बता सकती हूँ, इतना मैं उनको अभी जान चुकी हूँ। मैं भी बहुत अच्छे से फारा को जान चुका हूँ। पहले कैसा हम दोनों भी गुस्से वाले, मतलब तो फारा मेरे से ज्यादा गुस्से है तो हम दोनों ऐसा करते थे। फिर बाद में मेरे को किसी ने समझाया कि कैसा रहता है हस्बैंड वाइफ, अभी तुम वाइफ से बड़े हो तो वाइफ तुम्हारे से छोटी रहती है, उसको हमेशा तुम समझाया करो या तो उसको समझ के लिया करो। अगर तुम उसको प्यार से समझाओगे उसको समझोगे, अगर उसको गुस्से में होंगी तो तुम उसको अगर प्यार से समझाओगे तो ऑब्वियसली वो मान जाएंगी। अगर वो भी गुस्से में है और आप भी गुस्से में हो फिर दोनों एक दूसरे के मुँह को लग रहे तुम तो गुस्सा कभी ख़त्म नहीं होने वाला है। तो बीच बीच में हमारा स्टार्टिंग ऐसे होने लगा, ये मेरी ने सुनने लगे, मैं इनकी ने सुनने लगा, फिर ऐसे जवाब देने लगी, ये भी मेरे को बोलने लगे, ऐसा होता था। मैं चिढ़ने लगा। फिर बाद में मुझे अम्मी ने समझाया कि ऐसे ऐसे करो देखो फिर अच्छे से रहेंगे। फिर बाद में मैंने वैसे ही किया। अभी माशाल्लाह ऐसा है कोई भी बात होगी ना तो फराह को मैं प्यार से समझाता हूँ तो वो मान जाते हैं। अभी गुस्सा विस्सा कुछ भी नहीं, स्टार्टिंग दोनों भी झगड़े थे, झगड़ा भी था, प्यार भी था, सभी था। और उस वक्त टिकटॉक था सिर्फ, यूट्यूब का हमें कुछ नॉलेज नहीं था, सिर्फ टिकटॉक पे हम वीडियो बनाया करते थे तो उसी के साथ चलते थे। पर झगड़ा भी होता था हमारा कभी कभी, कैसा तुमने ये लिया मैंने वो लिया, फिर ऐसा नहीं वैसा नहीं, वीडियो तो दूर की बात रही, झगड़ा ही अपना चालू होता था दोनों का। उनके दोनों चिड़चिड़ हो रहे थे, कहीं बाहर जाने मिल नहीं रहा दोनों को, घर में ही घर में, सुबह उठे के घर, रात में सोने के वापस घर, सुबह आँख खोले के वापस घर में ही, किधर बाहर जाने मिल ही नहीं रहा था। और शादी के बाद मेरे ऊपर जिम्मेदारी आई काम की,
मैं शादी के पहले कुछ भी काम नहीं करती थी घर पे, जैसे था मैं स्कूल में जॉब करती थी टीचिंग का, तो फिर घर पे आती थी सब मम्मी रेडी रखते थे, टिफिन वगैरह सब रेडीमेड हमको मिलता था, सिर्फ रात में मैं बर्तन धोती थी बस। उसके अलावा ना मैंने कभी झाड़ू मारी थी, ना मैंने कभी फर्शी पोछी थी, ना कभी कपड़े धोई थी। लेकिन थोड़ा मेरे को तकलीफ होती थी, ऐसा करती थी तो थोड़ा हार्ड जाता था, लेकिन फिर धीरे धीरे अभी ऐसी आदत हो गई ना कि अभी खुद के हाथ से ना करूँ, कि कोई और करता रहेगा ना तो भी मुझे ऐसा लगता नहीं वो सही अच्छा नहीं कर रहा है, मैं करूँ ये अभी पटता नहीं दूसरे के हाथ का काम, अभी पूरी आदत हो गई है। और बहुत जल्दी इन्होंने अपने आप को मेंटेन किया शादी के बाद, तो पूरे घर का एक जिम्मेदारी होती है। फिर बाद में मुझे भी पता चला कि जिम्मेदारी क्या होती है सच में। शादी से पहले हम दूसरों का सुनते थे ना, ऐसा है उसकी फैमिली में, ऐसा है उसको ऐसा हुआ, जब खुद पे बीतती है तो बात समझती है। मेरे को भी एक जिम्मेदारी आई फराह को संभालना, हर एक बात से ये करना। और स्टार्टिंग कैसा, मैं भी इनकी हेल्प करता था, क्योंकि ऑब्वियसली मैं शादी से पहले भी मेरे अम्मी की हेल्प करता था, क्योंकि मेरे अम्मी के ना ही मेरी कोई बहन थी ना ही मेरे भाई था, तो मेरे अम्मी अकेले करते, तो मेरे को ऐसा लगता था कि मैं इनकी हेल्प करूँ, तो अम्मी के घर में घर के जो भी काम है उनमें मैं अम्मी की मेरी हेल्प किया करता था। तो उसके बाद जब शादी के बाद आए तो फराह को भी उतना नहीं समझ रहा था, तो मैंने भी उनके स्टार्टिंग में थोड़ा हेल्प करना स्टार्ट किया। स्टार्टिंग में खाना वाना भी मेरे हाथ से जल जाता था, थोड़ा ये होता था, रोटी तो कैसी बनाती थी। हाँ, रोटी नहीं जमती थी फराह को, और मेरे को रोटी और मेरे को हमेशा रोटी लगती है नाश्ते को, दोपहर में चावल और नाइट में भी मेरी आज की सुबह में मैं रोटी डालू तो दूसरे दिन भी ऐसी नरम के नरम है ना, अच्छी रहती है। बहुत जल्दी इन्होंने वही बोला ना, बहुत जल्दी अपने आप को मेंटेन किया है। खाना बनाना वाइफ पसंद था ना, तो मुझे खाने का इतना हार्ड नहीं गया। मेरे को लगता था कि फराह को नहीं आएगा खाना भी ना बनाने, बट मैं रॉन्ग था। फराह तो इतने परफेक्ट हो गए खाने बनाने में, अभी कुछ भी नहीं, उल्टा मेरे को उन्होंने नए नए चीजें खिलाए जो कि मैं कभी खाया नहीं करता था। मेरे को मतलब तो पसंद नहीं थी, पर इन्होंने मेरे को बोला एक बार खा के देखो अच्छा लगता है। फिर पास्ता मेरे को नहीं पसंद था, मैं पास्ता नहीं खाता था, और साबूदाने के वड़ा वो मैं नहीं खाता था, ऐसे ऐसे बहुत सी चीजें, तो इन्होंने मेरे को घर में खिलाए। बर्गर पिज्जा हाँ, सिर्फ रोटी वो चिकन का कुछ भी खाएंगे। बर्गर अभी भी खाता हूँ मैं, बट कहीं का भी नहीं खाता, सिर्फ बर्गर किंग का ही बर्गर खाता हूँ, और पिज्जा मैं खाता ही नहीं। स्वीट कॉर्न कभी कभी जो मिलता है उसमें ही मैं थोड़ा लेता हूँ, बट मैं ज्यादा नहीं खाता। बट मुझे ऐसा है आज, हाँ, बट एक नया मेरे को खाने मिला, नया कुछ पता चला, वो फराह की वजह से वो अच्छा लगा मेरे को। और मैं मुझे कैसे ना ऐसे लगता है मैं और अच्छा कुछ ना कुछ कुछ यूनिक बनाऊ घर में, मैं सीखती रहूँ ऐसा लगता है। कुकिंग का बहुत इंटरेस्ट है। यही तो मेरे को फराह की आदत जो है ना मेरे को बहुत अच्छी लगी, ये कुछ नया नया बनाने की कोशिश करती हूँ। मैं हमेशा बोलता रहे इतना मत थकते जाओ, मैं नहीं खाता, बोले नहीं कुछ खा के देखो कुछ नया खाने का, वो मेरे को अच्छा लगता है। बाहर से लाएंगे, मुझे ऐसा लगता है क्यों बाहर से, मैं भी बना सकती ऐसा। फिर रमजान भी लॉकडाउन में ही चला गया, नमाज पढ़े, बट हमें ऐसा लगता था, बट रमजान में थोड़ा थोड़ा खुल गया था बाहर घूमने का, मतलब उतना ज्यादा नहीं है। कि शाम के टाइम हम कहाँ पे जाते थे, कोंडवा को जाते थे, अगर कुछ भी लाना हो तो, एक टाइम गए वहाँ से, और बीच में क्या हो गया था लॉकडाउन में ही घर में सामान खत्म हो गया खाने पीने का, तो फिर अम्मी अब्बा मैंने डिसाइड किए के काम करेंगे, पुलिस के जो है उनके परमिशन लेके हम डीमार्ट को जाएंगे। डीमार्ट तो मुझे बहुत अच्छा लगता था कि फराह को ऐसी आदत थी, उनको नए नए चीज़ें बनाने की बहुत आदत थी, और मेरे को सबसे वही अच्छा लगता था। और मेरे को जब से यहाँ पे हम दोनों रहने लगे साथ में, मेरे को नए नए चीज़ें खाने का अच्छा लगने लगा इनके हाथ का और मेरे को बनाने का अच्छा लगने लगा नया नया कुछ। और बीच उसमें लॉकडाउन चल रहा था, और शादी के बाद तो बाहर का कुछ ज़्यादा नहीं मिल रहा था, तो घर में ही सब सीख रहे थे। और मेरे को पास्ता बर्गर ये सब मेरे को खाने की आदत नहीं थी, बट इन्होंने मेरे को अभी वो लगा दी। और बर्गर भी मैं कहीं का नहीं खाता, सिर्फ बर्गर किंग का मेरे को अच्छा लगता है। और पिज्जा तो कभी कभी स्वीट कॉर्न जो फराह खाते हैं उसमें से मैं थोड़ा खाता हूँ, बट बाकी के कुछ इनकी वजह से मेरे को कुछ नए नए चीज़ें खाने में मिली जो कि मैं वहाँ पे नहीं खाया करता था। चाहिए तो ला के दे, क्रेविंग्स होती पिज्जा का नाम लिया था। अभी मैंने कितने महीने हुए समय लॉकडाउन में मैंने खाई लिए, मालूम ना अपन ने पिज्जा लिए थे, तो अभी वो सादा वाला खाई, डोमिनोज का वो वाला खाई भी, चीज बस्ट।
आप खाते जाओ, बट मेरी वजह से अपने मन को मत मारो। इसके मतलब इनको पाव वाली चीजें भी नहीं पसंद है, जैसे पाव भाजी, मिसल पाव, मालूम है सबको, गाँव के लोगों को नहीं पसंद है। तो मैं यही बोलता हूँ, मुझे पसंद नहीं है, पर ये नहीं कि आप भी मत खाओ, मेरे हस्बैंड को पसंद नहीं है, आप खाते जो मैं खुद आपको लेके जाऊंगा। लेकिन फिर मैं गई बाबा बारबेक्यू को, कौन सा था वो मिसल वाला बारबेक्यू, थोराड बारबेक्यू मिसल, वो खाने को गई थी मैं। मैं बोली आप बैठो मेरे को खान दो, मेरे को बहुत पसंद है मिसल पाव, हमारे पुणे का एकदम फेवरेट है, महाराष्ट्रियन फूड अपने को पहले पसंद आता। मैंने वही बोला, मैं बैठूंगा आपके साथ। मैं इनको इतने बार बोल रही पिटला भाकर खाने जाएंगे, बेसन रोटी जवारी की, इतना मस्त मिलता है ना शिवापुर के रोड पे खाने को, मेरे मुंह में पानी आ रहा, देखो इतना टेस्टी रहता है वो। 199 में थाली रहती है, उसमें सब रहता, सेंगे की चटनी वगैरह, अल्लाह इतना टेस्टी रहता ना। ठीक है, एक बार पूरा गाउटी खाना रहता चूल्हे पे का। ओके ठीक है, इंशाल्लाह एक बार जरूर जाएंगे। तो ऐसे वैसे करके हमारा एक साल कैसे गया पता ही नहीं चला, टाइम इतना फास्ट चला गया और एक दूसरे को हम इतने जल्दी समझ लिए, एक साल में दोनों को अंडरस्टैंडिंग आ गया। और शादी के बाद बोलते हैं ना प्यार और ज्यादा बढ़ जाता है, वो हम दोनों का हो गया और ज्यादा प्यार बढ़ गया। और मेरे को तो कुछ ज्यादा ही प्यार मिला, आप देख सकते हो अभी जो कपड़े आ रहे नहीं है मुझे कुछ भी मेरे पहले के, बहुत ज्यादा प्यार मिल गया मेरे को। और अभी इनका कुछ नया ही चला है घर में, ये बोलते हैं सब, दो दिन से मेरे को बोल रहे थे कि समीर आप मेरे को देख के हंसते नहीं कुछ नहीं मतलब, फिर मेरे को ये बोले जब भी आप शायद आप कुछ भी करो काम और कुछ भी करते रहो, बट मैं आपको देखी तो आप स्माइल करना मेरे को देख के, बोला जैसे मैं आंखों से देखूंगी आप हंसने का, बोला ठीक है अभी जब भी देखते तो मैं ऐसे हंसता हूँ, तो अच्छी बात है ये। अगर घर पे इससे झगड़े फसाद नहीं होती और गुस्सा नहीं आता, नहीं तो अगर ये ऐसे बैठे रह रही है आप उन्हें देखे तभी भी खुशी मिलती है, मैं इनको देखूंगा तो मैं देखते हैं इनके मेरे फेस पे स्माइल आएगा तो इनको भी खुशी होगी कि मेरे को देख के हंस रहे करके। और ये घर ना मेन मेरे को कैसे अच्छा लगता, हम दोनों ही रहते और कोई नहीं रहते तो फरा कैसे रहते पता है आपको घर पे, ये जो आप देख रहे हैं ना ये बिल्कुल भी फरा नहीं है, ये मेरे को हंसाने के लिए कुछ भी करने के लिए ना इतना कॉमेडी करते हैं, या तो डांस करते हैं फनी डांस करते हैं या तो कुछ भी बोलते हैं, मेरे को अच्छा लगता है। और जब भी ये शांत होते हैं मेरे को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, मैं यही बोलता हूँ फरा आप हंसते जाओ, ये मेरे को हंसाने की बहुत कोशिश करते हैं, मतलब कुछ भी कॉमेडी करते हैं ताकि मैं हंसूँ, मेरे को बहुत अच्छा लगता है। और कभी कभी बोलता हूँ फरा वो आपके स्टेप करके दिखाओ ना, फरा ऐसे करो ना, मेरे को अच्छा लगता है। और सही बात है अगर ये घर में नहीं रहते तो घर इतना शांत हो जाता, मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं, क्योंकि यहाँ पे फरा जो करते हैं फरा की जो आवाज़ हंसी मजाक इससे घर ना बहुत खिलता है मेरा। और हमेशा आप ऐसे ही रहो फरा, आप शांत मेरे को थोड़े भी नहीं अच्छे लगते। ये मेरे को पहले पूछते थे कि समीर मैं ऐसे ज़्यादा बात करती हूँ कि आपको ये होता होता नहीं, फरा मेरे को उल्टा बहुत अच्छा लगता है। यही तो मेरे को सबसे अच्छा लगता है इनमें, जो बचपन है ना बहुत अच्छा लगता है मेरे को। अभी भी मैं बच्चों की जैसी जिद भी करती हूँ, मैं कुछ चाहिए तो मेरे को चाहिए, और मेरी जिद पूरी भी करते ही पूरी भी करता हूँ। थोड़े देर के लिए इनकी जिद कैसी रहती है, थोड़े देर के रहती है, पहले जिद करते हैं फिर बाद में उनको समझता है कि नहीं ऐसा नहीं है, मतलब समझ के बाद में उनको समझ आती है कि नहीं समीर मैं ऐसे ही थोड़ी देर के लिए जिद करती हूँ, बट आप उतना सीरियस मत लेते जाओ। बट मैं क्या करता, अगर मेरे बस की होंगी तो मैं जरूर करता इनको, मैं इनका दिल नहीं दुखाता, तो मैं उनको बाहर घुमाता करता हूँ क्योंकि मेरे को खुद को अच्छा लगता है। अभी दो ही लोग रहते हैं ना हम घर में, तो ये भी क्या करेंगे अकेले घर पे, तो मैं कभी कहीं पर भी जाना तो उनको साथ में ही लेके जाता हूँ, बाहर घूमता हूँ करता हूँ, अच्छा लगता है। लेकिन अब हम दोनों को एक दूसरे के साथ अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है, और माशाल्लाह हम दोनों एक दूसरे के साथ में बहुत बहुत खुश हैं। अल्लाह करे जिंदगी भर हम दोनों को ऐसे ही खुश रखे, हम दोनों के बीच में आने वाली हर मुसीबत हर बला को अल्लाह जड़ से दूर करे, और आप लोगों की भी जो भी दुआ है वो भी अल्लाह कबूल करे और हमें नजरबाद से बचाए, आमीन। आप लोगों की वजह से आज हम यहाँ तक है ना, पर आप लोगों की वजह से ही आज हम मतलब ये प्लेटफॉर्म पे आए, यहाँ से आज हमको इतने लोग जानते हैं, बाहर भी गए तो हमको लोग पहचानते करते, इतना स्पेशल इतना अच्छा फील होता है, नहीं कि वो आते हैं बोलते हैं आप फरा हो आप सैम हो, अच्छा लगता है, कुछ अलग ही फीलिंग होती है, सेल्फीज लेते हैं तो अलग ही फील होता है, वो बहुत अच्छा लगता है। उस टाइम ना फरा थोड़ा ये हो जाते हैं, मेरे को बोलते समीर सच में
सच में हम ऐसे हैं कि मतलब वो मेरे को ही पूछ रहे थे ना, पर हम आपसे ही बात कर रहे थे। मुझे यकीन नहीं आता, कभी कभी ऐसा लगता कि नहीं मैं भी एक नॉर्मल सी थी ना, अभी 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 जैसे लोग जान रहे बाहर गए ये करे हो तो लोग पहचान दे हम बाहर जाने की देरी है, बाहर गए तो हम एक ना एक जन तो मिलता ही है, ऐसा आज तक तो नहीं हुआ कि हम ऐसे घर पे आए नहीं। और हम बहुत सिंपल रहते हैं गाइस, अगर कहीं अभी बाहर आप मिलेंगे तो आप हमें पहचानोगे नहीं, मतलब तो देखोगे कि ये वही है ना जो वीडियोस वो बनाते हैं, बट हम ऐसे सिंपल रहते हैं जैसे आप लोग रहते हैं, हम भी वैसे ही सिंपल रहते हैं। वैसे ही रहते हैं, मेरा तो नेचर बहुत बहुत ऐसे कूल है। हाँ स्वरा, आपको शायद वीडियो में ऐसे लगते होंगे कि आप सोचते होंगे अगर कभी मिलना हो तो आप सोचते होंगे कि कैसे मिलूं वो ऐसे, पर जब मिलते हो तो आप खुद शॉक हो जाते हैं कितने सिंपल है फरा आप करके, बहुत सिंपल रहते हैं। मेकअप वेकअप तो अपने को नहीं पसंद, जितना ही सिंपल रहते हो कमी को अच्छा लगता है, लेकिन अभी अभी थोड़ा थोड़ा कर रही, देखो कान के पहनी हो, बाल थोड़े कर रही हो, थोड़ा अलग लुक। ये सब आप लोगों के सपोर्ट की वजह से आज हम यहाँ तक, माशाल्लाह आज बहुत अच्छे लग रहे हैं फरा, आप कौन से कम लग रहे हैं, आप भी इतने प्यारे, बहुत अच्छे लग रहे हैं फरा आज मेरे को, हमेशा ऐसे ही रहो, कुर्ता पैजामा पहना है, मैंने बोली आज जुमा पहनो अच्छे लगोगे, अभी रमजान ईद को भी इनको इंशाल्लाह हम इनकी शॉपिंग करेंगे अच्छे से, तभी इनका ब्लॉग बनाएंगे हम। और हम शॉपिंग कैसे करते हैं, मैं मेरी पसंद का फरा को देता हूँ, वो अपनी पसंद से मेरे को लेते हैं, तो कुछ भी लेना है तो दोनों दूसरे को पूछते हैं हाँ पसंद आए नहीं, बट डिपेंड क्या करता है ज्यादा मेरी पसंद, ये आते ही नहीं लेकिन दुकानों में वो लेडीज वो रहते हैं, मेरे को अच्छा नहीं लगता, मैं बोलती हूँ आओ बैठो मजा आती है। हाँ ना कल ही हम शॉपिंग को गए थे तो ऐसे हो गया, पर मेरे तो क्या उसमें दिखाने वाले तो जेंट्स ही रहते ना, खरीदने वाली लेडीज रहती, दिखाने वाले तो जेंट्स ही रहते ना। तो गाइस ये थी हमारी मैरिड लाइफ की स्टोरी, अभी जब तक भी बोलो वो कम ही है, हाँ ऐसे ही बहुत आगे बढ़ती जाएंगी वो, बट बहुत अच्छे से हमारा एक साल गया, अल्लाह करे आने वाले अल्लाह करे और आप लोगों की भी शादी हो तो आप लोगों की भी जिंदगी हंसी खुशी बीते, आप लोगों की जिंदगी में अल्लाह ढेर सारी खुशियां दे। और अभी है ना बोलती मैं पाकिस्तानी सीरियल देखो बहुत अच्छे खुद भी देख रहे भाई पाकिस्तान सीरियल हमेशा करार करार सीरियल बहुत प्यारा है, बहुत मस्त लगता है मुझे वो माया की जो एटीट्यूड है ना, हाँ ऐसे। तो चलिए गाइस आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, हमारी जो स्टोरी है वो भी आपको अच्छी लगी होगी। तो हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो, किस बात की देरी है, और नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दो, सपोर्ट की सपोर्ट सबसे पहले तो सपोर्ट जी मेरा बोल दो ना पहले, हाँ ठीक है, हाँ बेल नोटिफिकेशन को ऑन करो ताकि हमारी न्यू वीडियोस आपको मिलती रहे, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो और कमेंट करो, और अभी बोलो और सपोर्ट भी कीजिए ताकि हम दोनों आगे और आगे जाए, आप लोगों की वजह से हम यहाँ तक हैं और आप लोग ही हमें आगे ले जा सकते हो। हाँ और फरा का सीरियल देखिए करार नहीं और भी है दुल्हन करार, मुझे ज्यादा कौन सा देखते हो, करार और दुल्हन, करार तो बहुत पसंद आ रहा मुझे, बहुत अमर और फरिया पागल हो जाते हैं देखने में, और संडे को रात में 9 बजे आता वो एपिसोड, हाँ हर रोज देखो आप तो चलिए बाय, अल्लाह हाफिज, दुआ में याद रखना।